Gila side dah jarak. Side dah jarak. एक सपना था कि मुमरा में आरोग्य फ्री रहे लोग, क्योंकि काफ़ी हमने देखे मुमरा में मुफलिस और गरीब तबके के लोग ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों ने निशानदार फाउंडेशन बालाजी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों को बुलाया है और यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त कैंप रखा गया है, जिसमें ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई डिटेक्ट होता है हार्ट वगैरह का, तो एंजियोप्लास्टर, बाईपास और अन्य कोई भी बीमारी जो हार्ट से रिलेटेड है, वो बिल्कुल मुफ्त में ऑपरेशन वगैरह होगा। काफ़ी लोग जो आए हैं वो ECG के लिए और ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अक्सर अवाम में शुगर की बीमारी ज़्यादा है, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारा अपना अपना ब्लड शुगर चेक करें। और यहाँ पे जो ECG में कुछ 4 लोग डिटेक्ट हुए हैं जिनकी बाईपास के लिए उनको सलाह दिए गए है, देखते हैं अभी आगे क्या करना है। और तकरीबन 2 घंटे में 450 लोग यहाँ पर जो है ECG और ब्लड शुगर वगैरह चेक किए हैं। हमारा टारगेट है कि शाम 5 बजे तक कम से कम 1000 लोग हुए, ताकि हमें भी इत्मीनान मिले कि लोग अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखते हैं। हमारी तो बहरहाल मुमरा में हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है गंदगी है, और अगर TMC इसको अच्छी तरह से सफाई रखे और कुछ गैमेक्सिन पाउडर जो आता है उसकी अभी कुछ लोगों ने ये कम कर दिया पावर और रेड की जगह वाइट पाउडर। लेकिन हमें तो मैं आज भी रोडों पर पैदल चलता हूँ और अक्सर लोगों ने देखा होगा कि मैं पैदल चलता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि भाई इधर पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। ज़्यादातर देखा गया है कि वाइट पाउडर भी रोडों पर डाला हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि वाइट पाउडर डालने से जो आजू एतराफ़ की जो जरासीम है उनको डेथ किया जाए, ऐसा उनका मकसद होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ की फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती। मुमरा में बीमारी ज़्यादातर हमने देखा है कि मुमरा नहीं, पूरे वर्ल्ड में शुगर पेशेंट ज़्यादा है और हम लोग शुगर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा हम लोग केवल 30 रुपये में हफ्ते भर की देते हैं। हमारी संस्था की तरफ से डॉक्टर को बिठाया जाता है ताकि लोग यहाँ वहाँ जाकर हज़ारों रुपए खर्चा ना करें, और उनको जो है हम लोगों की दुआ भी, उन लोगों की दुआ भी हमें चाहिए। और हम लोग ये काम काफ़ी 6-7 साल से कर रहे हैं। से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने एतराफ़ की गंदगी को साफ़ रखें, और हर बिल्डिंग और हर घर की तरफ से जो डस्टबिन होती है उसमें कचरा डालें और झाड़ू वालों को दें। वरना आजकल तो मिनट्स गाड़ी वगैरह भी मोहल्लों में आती है, तो आप उस मिनट्स गाड़ी का फ़ायदा उठाइए। अगर मिनट्स गाड़ी आपके एरिया में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, तो मैं आपके मोहल्लों में मिनट्स गाड़ी का भी बंदोबस्त कर दे दूँगा।